Yes, so good evening everybody. So we are going to start with the disease treatment. Disease ka jo treatment kaise hota hai, uska prevention hum kaise kar sakte hain, aur immunization kya hota hai, kisne ye discover kiya, actually immunity kya hai, immunization yani hum apne aap immunized kaise kar sakte hain, ye kya kehne ki koshish kar raha hai, everything we are going to study in detail in this particular session. Theek hai, so let's start. But before starting with the lecture, I just want you all to answer all these questions and put it in the chat box. ठीक है? आप लोग सारे questions को answer करके chat box में answers डाल दीजिए. पहला question, so you have to write like one और option में क्या है वो लिखना है. Two option, three option एक साथ. ठीक है? Start. First question, which of the following is a bacterial disease? आंसर क्या है, कौन सा है, चूज करके मुझे ऑप्शन दीजिए. एंटीबायोटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ. इफ द टारगेट ऑर्गन ऑफ अ पैथोजन इज लिवर, देन व्हाट पॉसिबल सिम्टम वुड बी ऑब्जर्व्ड? हेडेक, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस एंड फिट्स. ठीक है, सिम्टम के बारे में पूछा है, सिम्टम याद रखिएगा. ठीक है, और पैथोजन इन लिवर के बारे में पूछा है, सो इसके साथ आप आंसर दीजिएगा. ये टारगेट ऑर्गन इन द सेंस ये ऑर्गन मैनिफेस्टेड है. ठीक है, क्या है? ऑर्गन मैनिफेस्टेड, याद रखिएगा. चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. Come on, इन सारे questions के भी answer डालिए same time. Which of the following will not cause transmission of any airborne disease? And दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, which of the following is not transferred by house flies? ये दोनों के भी answers डालिए and then we will discuss.
ऑल राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, है ना. आंसर्स मिल चुके हैं मुझे, जितने भी मिलने थे. राइट, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, इसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है. तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन डी से आते हैं, अमीबिक डिसेंट्री. यानी यहाँ पे अमीबा लिख ही दिया, अमीबिक डिसेंट्री, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपको आंसर नहीं होगा. डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर, और ये किसी पैथोजन के वजह से नहीं होता है, सो ये भी गलत है. एंथ्रैक्स इज कॉस्ड बाय एंथ्रेसिस, डेंगू इज कॉस्ड बाय व्हाट. ये दोनों में ऑप्शन हो सकता है, कौन सा आंसर सही है. आप लोगों ने क्या दिया है, आप लोगों का आंसर क्या, कौन सा सही है, दैट आप लोग देख लीजिए, देखेंगे हम लोग. एंटीबायोटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग डिजीजेस कॉस्ड बाय. एंटीबायोटिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन डी प्रोटोजोवा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, फंगाई नहीं, वायरस नहीं, तो बैक्टीरिया इज द राइट आंसर. ठीक है, सही है कि गलत है यह भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है, आगे चल के, और आप लोगों ने क्या आंसर दिया ये भी हम लोग चेक कर लेंगे. ठीक है, इफ द टारगेट ऑर्गन ऑफ अ पैथोजन इज लिवर, देन व्हाट पॉसिबल सिम्टम वुड बी ऑब्जर्व्ड. ब्रेथलेसनेस, ये तो लंग से रिलेटेड है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. फिट्स, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड है. हेडेक, हेडेक इज द कॉमन सिम्टम, हेडेक से कोई पता नहीं चलता है कि उसको क्या लिवर है कि क्या, लेकिन लिवर में तो हेडेक सा मुझे नहीं लगता कोई रिलेशन है. ठीक है, एनीवेज हम लोग देख लेंगे ये भी, मुझे लगता है कि वॉमिटिंग इज द विल बी द राइट आंसर. ठीक है, देखेंगे क्या आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज ट्रांसमिशन ऑफ एनी एयरबोर्न डिजीज. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एनी कॉज ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न डिजीज. यानी इसमें से कौन सा है जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है. स्नीजिंग बिल्कुल होगा, तो ये गलत आंसर है. स्पिटिंग बिल्कुल होगा, होगा यस. प्लेइंग माउथ ऑर्गन, मुझे लगता है कि ये होता है, हो सकता है कि माउथ ऑर्गन प्ले करने से एयर ट्रांसमिशन नहीं होगा. एनीवेज हम देख लेंगे. Which of the following is not transferred by houseflies? Houseflies से कौन सा ट्रांसफर नहीं होता है? Typhoid मुझे नहीं लगता है, because food और water से होता है और ये houseflies इस पे बैठ सकती है और ये हो सकता है. Dysentery, जब खाना नहीं पचेगा तो food और flies के वजह से ये भी हो सकता है. Cholera भी हो सकता है. मुझे लगता है कि AIDS will be the right answer. हम चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से आंसर हमारे सही हुए. ओके, सो पहला आंसर 50-50 हमने दिया था. ठीक है, एंथ्रैक्स इज द राइट आंसर. बैक्टीरिया हमने कहा था वो भी राइट आंसर है. जो जो लोगों ने अपना अपना आंसर चेक कर लीजिए, अपने क्या दिया. वॉमिटिंग हमने एक सही आंसर दिया था. माउथ ऑर्गन प्ले करने से नहीं फैलता है एयर ट्रांसमिशन डिजीजेस, सो दैट इज द राइट आंसर. एच आई वी इज ओनली ट्रांसमिटेड टू थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और एस टी डी है, इसीलिए इंटरकोर्स इज इंपॉर्टेंट. सो सेक्सुअल इंटरकोर्स is very important for the transmission of HIV. Very good. जिसके भी 5 out of 5 आए हैं उनके लिए very good है. ठीक है, excellent. 4 out of 5 है तो उनका remark है good. 3 out of 5 है try hard, मतलब try better. 2 out of 5 है not bad. 1 out of 5 है really bad. 0 out of 5 है sorry. अभी उसके लिए कोई कमेंट नहीं है मेरे पास, तो आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा आंसर है. जो आंसर जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा उन लोगों को भी ये मान के चलिए कि 0 out of 5 है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्लास में हमने क्या दिखा था, माइक्रोब्स हैव अ पॉइंट ऑफ एंट्री एंड टारगेट ऑर्गन where they cause disease. Yes, कोई एक point of entry होता है, चाहे वो mouth हो, चाहे वो mouth हो, चाहे वो nose हो, any entry point हो सकता है और target करता है organ या tissue, है ना, tissue manifested या organ manifested. Organism causing diseases include bacteria, virus, protozoa, सब disease फैला सकते हैं. 4 means of स्प्रेड ऑफ डिजीज देखा हमने, एक देखा एयर, वाटर, वेक्टर के थ्रू और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू. एड्स
किसके वजह से होता है, एचआईवी के वजह से होता है, और एड्स का पूरा हमने डिटेल देखा, एड्स को पूरा अच्छे से हमने समझा, राइट? इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे ट्रीटिंग अ डिजीज, कैसे ट्रीट किया जाएगा और कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन से क्या लाभ मिल सकता है, ठीक है? चलो, सो ट्रीटिंग अ डिजीज, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज किसी भी तरह के डिजीज को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट। पहले वो डिजीज को समझना है कि डिजीज क्या है, ठीक है, उसके असर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को क्या है, हेडेक है, ठीक है, उसके बाद फीवर है, वॉमिटिंग है, ठीक है, वॉमिटिंग है, स्टमक पेन है, स्टमक पेन है, ठीक है, वॉमिटिंग है और स्टमक पेन है। अब इस पेशेंट को, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सरदर्द और फीवर है तो इनको हम क्या करेंगे, पेन किलर विथ पैरासिटामोल दे सकते हैं, एक पेन किलर और एक एनाल्जेसिक दे सकते हैं, वॉमिटिंग रोकने के लिए इसके लिए भी एक ड्रग दे सकते हैं, ठीक है, स्टमक पेन होता है तो पेन किलर हम लेंगे तो ये ठीक हो सकता है, बट क्योंकि स्टमक पेन हो रहा है तो ये बहुत सारे अलग अलग डिजीज हो सकते हैं यहाँ पे, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए हम अब देखेंगे कि कौन सा ड्रग सूटेबल रहेगा, वो ड्रग हम देंगे। यानी पहले काम हमने किया कि जो इसका जो इफेक्ट है, हेडेक है, फीवर है, वॉमिटिंग, इसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, उसके बाद किल द कॉज ऑफ द डिजीज, उसके बाद देखेंगे स्टमक पेन क्यों हो रहा है, और अगर कोई इन्फेक्शन के वजह से तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ड्रग देंगे, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे और उसको हम किल कर देंगे। आई बात समझ में आ रही है बात? यानी दो मेथड है, एक मेथड है, मतलब दोनों तरीके अपनाना पड़ता है, स्टेप वन है ये, ठीक है, दिस इज योर स्टेप वन और दिस इज योर स्टेप टू, ठीक है, स्टेप वन एंड स्टेप टू। आई बात समझ में? बोलो ये बात समझ में आई, आई तो हाँ टिक मार्क लगा दीजिए। पार्टिसिपेंट्स में जाकर टिक लगा दीजिए, यस, ओके, फराज, विनायक, विनायक को समझ में नहीं आया, अगम्य प्रताप और विनायक को समझ में नहीं आया, है ना, समझ में आ गया, चलो बढ़िया, टिक लग गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट टेस्ट, यहाँ पे एक टेस्ट ले लेते हैं। अ न्यू ड्रग इज इन्वेंटेड विच एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर ऑफ द सेल देयर बाय किलिंग द सेल। ऑन कैरिंग आउट क्लिनिकल ट्रायल इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी सेल टाइप्स विच मीन्स दैट पोटेंशियली द सेम ड्रग कुड बी यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंगाई एंड इवन वॉर्म्स। इफ यू आर साइंटिस्ट, Would you administer this drug to patients? अगर आप साइंटिस्ट होते तो क्या ये पेशेंट को ये ड्रग दे सकते हैं, ऐसा ड्रग जिसमें जो बैक्टीरिया, प्रोटोजो, फंगाई और किसी में भी यह काम कर सकता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। ऑप्शन ए है, यस, बिकॉज दिस ड्रग विल प्रूव टू बी अ बून एंड विल हेल्प इन किलिंग मल्टीपल इन्फेक्शन इन ए सिंगल अटेम्प्ट। नो, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया present inside the body being killed as well. C, no, because there are chances that our own cells would be harmed as well. D, yes, it is economically feasible and can be used by all class of people. Answer dijiye. Logon ne C answer choose kiya hai, kuch log agamme ne A answer choose kiya hai, Anushka ne B choose kiya hai yahan pe. Dekhte hain ki sahi answer kya hai. अच्छा, एक और आंसर आ गया, अंशु कुमारी ने बी आंसर चूज किया है। देखते ही आंसर का सही जवाब क्या है क्वेश्चन का, सी। सो सी इज द राइट आंसर, नो, बिकॉज देयर आर चांसेस दैट आवर ओन सेल्स वुड बी हार्म्ड एज वेल, दैट्स राइट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है
कि हमें अपने सेल्स को बचाना होता है, दूसरे सेल को मारने के चक्कर में अपना इम्यूनिटी खराब कर ले, अपने ओन सेल्स को किल कर दे, ये सही नहीं होता है। और इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर भी सेल्स हैं, और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, सोच लीजिए अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे सेल्स में जनरल सेल्स में मॉइस्चर होते हैं, तो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो हमारे जनरल जो सेल्स है उसको मारने में ये सक्षम है, तो ये गलत बात है। इन ऑप्शन ए एंड डी, इवन दो इट विल हेल्प इन ट्रीटिंग मल्टीपल इन्फेक्शन, दरबाई वुड बी इकोनॉमिकली फीसिबल, वॉट इफ सिवियरिटी ऑफ टू डिफरेंट इन्फेक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इज डिफरेंट। In such case, if the patient uses this drug, then there are chances of pathogen getting resistant. Pathogen क्या हो जाएगा? Resistant, यानी अब उसके वो कोई भी ड्रग दीजिए उस pathogen पे वो ड्रग काम नहीं करेगा, वो उसको वो pathogen उस ड्रग को लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। Every time a person takes antibiotic, sensitive bacteria are killed, but resistant germs may be left to grow and multiply. Repeated and improper use of antibiotic are primary cause of increase in drug resistant bacteria. इसीलिए गलत आंसर होगा। In option B, as mentioned in the question, the drug will kill only pathogenic bacteria. ठीक है? In case the beneficial bacteria is killed, this problem also arises when we use antibiotics. It can be flourished again by consuming probiotic food after having this drug. ठीक है? Since it is mentioned in the question that eukaryotic organisms like fungi and worms can also be killed, then there are chances that our own cell can also be harmed. So using this drug is not a safe option. This drug can be considered safe if the clinical trial test proves negative against human cells. Thus the correct answer is option C. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये खुद को भी मार सकता है, क्या कर सकता है, यानी खुद को, इन द सेंस खुद के सेल्स को भी ये किल कर सकता है। अगर क्लिनिकल ट्रायल में आ जाता है कि खुद के सेल को नहीं मारेगा, अपना जो सेल्फ सेल्स है उसको नहीं किल करेगा, ये अच्छा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेस्ट। We know that the antibiotic penicillin blocks the bacterial process that build the cell wall. Fungi have a cell wall. Do you think penicillin will work against a fungal infection? Option A, yes, because the penicillin blocks cell wall formation, thereby killing the pathogen. No, because the cell wall content of fungi is different from that of bacteria. Yes, because the main function of any antibiotic is to kill the microbe. No, because fungi has higher resistance compared to bacteria and thus penicillin will not be effective. Answer Anushka ne, Anshu ne, Vinayak ne de diya hai shayad. Isi question ka answer hai. Gamya ne diya hai, Shikhar ne diya hai. So sab logo ne answer diya hai. Bahut hi mila jula answer hai. किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी, किसी ने ए, सो एबीसीडी में सारे ऑप्शंस आप लोगों ने चूज कर लिए हैं, और भी कई सारे आंसर्स आने बाकी हैं अभी। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नो, बिकॉज द सेल वॉल कंटेंट ऑफ फंगाई इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया इज एग्जैक्टली राइट। व्हाई? बिकॉज चिटिन ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो फंगाई के सेल वॉल में होता है। आप लोगों को ये भली भांति पता होगा कि ये चिटिन होता है ना, क्योंकि सेलुलोज,
सेलुलोज प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और पेप्टिडोग्लाइकन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फंगाई किससे बना होता है? चिटिन से बना होता है. इसीलिए पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक. इट इज सेलेक्टिव इन एक्शन एंड इज इफेक्टिव इन ब्लॉकिंग सेल वॉल फॉर्मेशन ओनली इन केस ऑफ बैक्टीरिया नॉट द फंगाई. चलो नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. एंटीवायरल मेडिसिन आर हार्डर टू मेक than antibiotic medicines because options are in front of you. Virus have very few biochemical pathway on their own. There are few virus specific target to aim at. Virus utilize the host biochemical machinery for their own life process. The process of making antiviral medicine is very expensive and tedious. एक आंसर आया है शिखर का. दो आंसर आया है, एक आयुष और एक शिखर का. दोनों का आंसर बिल्कुल अलग अलग है. ओके चलो, गलती से ट्रू समझ लिए थे. ओके शिखर धवन, आगे बढ़ते हैं. यानी इसका आंसर चेक कर लेते हैं. और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी. क्या है? डी. बोलो कैसे? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंटीवायरल मेडिसिन is very expensive and tedious. Since virus utilize host biochemical machinery for carrying out its life process, it has very few pathway of their own. As virus use host machinery, it has few specific target site against which the antibiotic can be produced, and thus it's very difficult to prepare an antiviral medicine. ठीक है, ओके, अच्छा, चलिए. Did you know endemic disease remains present in a population or geographic region at consistent levels and periods of time? यानी endemic किसको कहते हैं? एंडेमिक डिजीज हम किसको कहते हैं? हमने कहा था ना लास्ट क्लास में एंडेमिक, पैंडेमिक वगैरह वगैरह, एपिडेमिक. एंडेमिक प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन और ज्योग्राफिक रीजन, एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, ठीक है, और कुछ समय के लिए होता है. दैट इज एंडेमिक, एक स्मॉल स्केल में. मलेरिया क्या होता है? इज एंडेमिक टू ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड लाइक साउथ अमेरिका और अफ्रीका, बट इट इज नॉट एंडेमिक इन अंटार्कटिका.
ये अंटार्कटिका में एंडेमिक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कुछ ही जगह पे है प्रेजेंट होता है, ठीक है, वर्ल्ड के चंद कुछ ही जगहों पर प्रेजेंट होता है और उसी जगह पे होता है, ना कि किसी और जगह पे, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। ठीक है, फ्लू क्या है? एंडेमिक है टू ए चिकागो विंटर बट नॉट समर। ठीक है, सिर्फ विंटर में होता है और सिर्फ चिकागो के विंटर, यानी विंटर में होता है, समर में नहीं होता है। ठीक है, फ्लू। एपिडेमिक डिजीज इज द वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इंफेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। एपिडेमिक का क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम आता है जबकि ये फैलता है और ये पूरे एक नॉर्मल कम्युनिटी को फैल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गर्मी के वजह से या ठंडा के वजह से ऐसा हो रहा, नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। ये भी एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया तक ही होता है, सीमित होता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है। लेकिन पैंडेमिक ऐसा होता है, मान के चलिए एपिडेमिक यानी एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट या कंट्री। पैंडेमिक डिजीज क्या है? इट्स अ डिजीज विच इज प्रेवलेंट ओवर अ होल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये फैल सकता है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। ठीक है, होप यू एवर वंडर्ड हाउ डज दिस पैंडेमिक डिजीज स्प्रेड, टू नो मोर वॉच दिस वीडियो। इसको क्या करिए, क्या है, एक वीडियो है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। यस अनुष्का, प्लीज टेल मी, बोलिए क्या पूछना है, चैट बॉक्स में डालिए।
ओके सो ये वीडियो का लिंक हम आपको भेज दे रहे हैं, चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं सबको, ठीक है। आप लोग इस वीडियो का लिंक को चैट बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं और आप लोग क्या करिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। सबको हम चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपके चैट बॉक्स में ये लिंक आ गया होगा यूट्यूब का, सभी लोगों के चैट बॉक्स में आ गया होगा। तो आप क्या करिए कि इस लिंक को क्लिक करके ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं कभी भी, ठीक है। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये फायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अनुष्का ने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसका आंसर हम देंगे इस क्लास के लास्ट में, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, देर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज। हम डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो देर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, वन इज जेनरल प्रिवेंशन, दूसरा स्पेसिफिक प्रिवेंशन। जनरल यानी ऐसे ही नॉर्मली हम लोग ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना, ये सब चीजें जो करते हैं, ठीक है। ठंड का मौसम आ गया तो स्वेटर पहन लिए, ये जनरल प्रिवेंशन है। गर्मी ठंडा का मौसम है, ठंडा ज्यादा बढ़ गया है तो क्या कर ले, गर्म पानी पीना शुरू कर दे, जनरल प्रिवेंशन है। लेकिन स्पेसिफिक प्रिवेंशन कुछ होता है स्पेसिफिक, जैसे कोरोना वायरस हो गया तो मुंह और नाक से फैलता है तो मास्क पहन लीजिए, सो दैट इज स्पेसिफिक प्रिवेंशन। Anyways, फिर भी इससे भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रिवेंशन होता है और क्या है वो हम देखेंगे, दैट इज योर वैक्सीनेशन भी एक तरह का प्रिवेंशन ही है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन। कि पर्टिकुलर डिजीज के रिलेटेड हम वैक्सीन्स लेते हैं, इस डिजीज के लिए
ये वैक्सीन है, ठीक है। सो इसीलिए लिखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना ही होगा, ठीक है, कि प्रिवेंशन करिएगा तो इलाज से प्रिवेंशन बेहतर होता है। चलो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, जनरली हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट पैथोजन के एक्सपोजर से हम बच सकते हैं, यानी अपने हाथ नाक सब हमेशा हाइजीनिक रहें, साफ सुथरा रहें, ठीक है। टेक प्रॉपर एंड हेल्दी फूड फॉर बेटर इम्यून सिस्टम, हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते रहेंगे विथ प्रॉपर हेल्थ डाइट लेकर, ठीक है। ये जनरल वेज है। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज बात करें तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन ऐसा चीज है जो कि स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए स्पेसिफिक होता है कि हम बीसीजी है तो हम ये वैक्सीन ले रहे हैं, ठीक है। हमें क्या है कि टेटनस ना हो जाए इसीलिए हम दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। हमें ये डिजीज ना हो जाए उसके लिए अलग, ये डिजीज है उसके लिए अलग। तो बचपन से लेकर पोलियो के लिए आपने नाम सुना होगा, दो बूंद जिंदगी का, है ना, वो एक वैक्सीन ही है जो दो बूंद जिंदगी का दिया जाता है, दो बूंद दिया जाता है वो एक क्या है, वैक्सीन है। हरी बात समझ में, तो स्पेसिफिक है। हम वो दो बूंद किस लिए लेते हैं, टाइफॉइड के लिए नहीं, सरदर्द के लिए नहीं, किस लिए, पोलियो के लिए, हम स्पेसिफिकली ले रहे हैं किसी एक चीज के लिए, तो वो स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज हो गया। हाँ खसरा रूबेला वैक्सीन, सही है। एनीवेज स्पेसिफिक वे क्या है, वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल अ वैक्सीन टू स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम टू डेवलप अडेप्टिव इम्यूनिटी टू द पैथोजन। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन या वैक्सीनेशन किसको कहते हैं, तो वैक्सीनेशन मतलब कि वैक्सीन देना, दैट्स ऑल, वैक्सीन देना, चाहे वो ओरली हो या इंजेक्शन से हो, ठीक है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन क्या किया जाता है, ओरली यानी माउथ के थ्रू भी दिया जाता है, जैसे टैबलेट या सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन और सिरिंज यानी इंजेक्शन से भी दिया जाता है। जो इंजेक्शन से दिया जाता है, ये दो तरह का नॉर्मली इंजेक्शन होता है, एक होता है इंट्रा मस्कुलर, एक होता है इंट्रावीनस, यानी मसल में दिया जाए तो वो होगा इंट्रा मस्कुलर, अगर वही सुई वेन्स में दिया जाए तो वो होगा इंट्रावीनस, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, तो बचपन से लेकर आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ और कुछ साल तक ये दिया जाता है, उसके बाद जिंदगी भर हर 6 महीना पे एक बार आपको टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, या 1 साल पे एक बार कम से कम आपको एक टीटी का इंजेक्शन ले लेना चाहिए कि कहीं कटा छटा हो तो टेटनस ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हमें लेते रहना चाहिए। हाँ शिखर बोलिए। तो ये वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज वैक्सीन, तो नीचे दिया है, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग यूजुअली किल्ड और वीकेंड हाँ बोलिए सर, क्यों लोग कहते हैं सर कि जैसे कि लोहा वैसे कोई कील से अगर हाथ में लग गया तो टेटनस का सुई लेना चाहिए, मतलब कि क्यों? देखिए अगर उसमें रस्ट फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में हार्म करेगा, रस्ट, क्योंकि वो रस्ट फॉर्मेशन यूं ही नहीं हो जाता है, वो रस्ट फॉर्मेशन किस वजह से होता है, वो रस्ट फॉर्मेशन होता है माइक्रोब के वजह से, ठीक है, वहां पे माइक्रोब है इस वजह से रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो माइक्रोब आपके बॉडी में जाएगा तो प्रॉब्लम कॉज करेगा। और इसीलिए ऐसे धातु या मटेरियल से हमें नहीं पता है कि उसमें रस्ट फॉर्मेशन है हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसे मेटल से जिससे आपको जिसमें रस्ट नहीं है, अगर वैसे मेटल आपके बॉडी में चुभते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। बट अगर किसी ऐसे मेटल से आपके बॉडी में चुभ जाता है या चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है जिसमें रस्ट फॉर्मेशन हो,
तब वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो माइक्रोब इन्फेक्शन या हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई धातु या किसी चीज से अगर आपको चोट लग जाए तो तुरंत टेटनस का इंजेक्शन दिया जाए। लाइफ टेकिंग तो नहीं कह सकते बट लाइफ थ्रेटनिंग जरूर कह सकते हैं, डरावना जरूर हो सकता है। ये कोई भी डिजीज यार डरावना ही होता है, एक बार हो जाने के बाद अच्छा थोड़ी लगता है, बट ये लाइफ टेकिंग नहीं बोल सकते, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओके, तो ये वैक्सीन होता क्या है? तो वैक्सीन इज नथिंग बट डेड, जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है, अगर हम इसके अगेंस्ट में वैक्सीन बना रहे हैं तो ये क्या है, वैक्सीन में ऐसा क्या होगा, मान लो कि सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह का डिबिया दे रहे हैं, इस डिबिया के अंदर क्या होगा, इस डिबिया के अंदर होगा कोरोना वायरस, इस डिबिया के अंदर क्या होगा, कोरोना वायरस ही होगा, क्या होगा, कोरोना ही होगा। लेकिन वो जो कोरोना होगा, ठीक है, क्या होगा, कोरोना वायरस ही होगा, लेकिन वो जो कोरोना होगा वो या तो मरा हुआ होगा या कमजोर होगा जिससे कोई डिजीज नहीं हो पाए, ठीक है, मरा हुआ होगा यानी या तो वो डेड होगा या क्या होगा, अटेन्यूएटेड होगा, अटेन्यूएटेड यानी वीकेंड, ठीक है। वीकेंड को कभी कभी किसी किसी लैंग्वेज में या किसी किसी बुक में क्या कर दिया, क्या लिखा जाता है, अटेन्यूएटेड, ठीक है, या तो किल्ड होगा या वीकेंड या फिर क्या होगा, अटेन्यूएटेड होगा, ठीक है। और उसी को हम क्या करते हैं, अपने बॉडी में डालते हैं, क्यों डालते हैं, हाँ उसका बोलिए सर। जैसे ये कोरोना वायरस है, अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है और वो अगर कोई चीज टच करता है, उसको अगर हम टच करें तो वो हमारे हैंड में उसका वायरस है, तो उसका वायरस हमारे हैंड में आने के बाद इफेक्ट क्यों नहीं करता, जब तक वो हमारे बॉडी में एंटर करता तभी क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि हैंड में स्किन है ना, स्किन से कोई रिलेशन नहीं है, जब तक हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर नहीं पहुंचेगा, जब तक वो, क्योंकि कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस क्या है, ये ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेड डिजीज है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में जाएगा, ठीक है, यानी लंग्स में जाएगा, तब जाके वहां पे लंग्स में फ्लूइड फॉर्मेशन या फिर लंग्स में जाके लोबुलर इन्फेक्शन ये कॉज करेगा। जब तक वो लंग्स में नहीं जाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जब तक हमारे बॉडी फ्लूइड में नहीं मिलता कोई इन्फेक्शन, वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, ऑर्गन में नहीं जाता है, तब तक ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर के मटेरियल को डैमेज नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई खुजली हो गया, तो खुजली आमतौर पर ज्यादा इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्यों, क्योंकि स्किन के ऊपर ही रह जाता है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया तो ध्यान देना पड़ेगा, बट अगर हल्का फुल्का खुजली हो रहा कहीं तो उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, कोई कुछ भी आयुर्वेदिक दवा लगाकर ठीक कर लेता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वो इन्फेक्शन, कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है और हमारे बॉडी के अंदर घुस गया, तो वो हो सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन में अगर मिल जाए तो पूरे बॉडी में अफेक्ट कर दे, ठीक है, पूरा बॉडी को वो अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। और कोरोना क्या है, कोरोना तो लंग्स को अटैक करना होगा, कोरोना को, ठीक है, और स्किन में रह के क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि लंग्स तो वहां पे है नहीं स्किन पे। सर, किसी किसी के बॉडी में एंटर करने के बाद भी वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, ऐसा क्यों? हमारे इम्यून सिस्टम के वजह से, हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर वो स्ट्रांग है तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको किल कर देगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको किल कर देगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन भी बड़ा विकराल रूप आपके बॉडी में ले सकता है, ठीक है, इसीलिए। सर बोलिए। सर किसी किसी का सर देखते हैं सर, मतलब कि ज्यादा कोई और बीमारी से ग्रसित है सर, तब भी वो कोरोना को, मतलब कि उससे वो ठीक हो जाता है सर। क्या हो जाता है? कोरोना से मतलब ठीक हो जाता है सर कभी कभी। क्या कह रहे हो, जैसे कि कोई और बीमारी से भी ग्रसित है तो भी अगर उसको कोरोना, मान लीजिए कि मुझे टाइफाइड हो गया है और मुझे कोरोना हो जाता है तो ठीक हो सकता है? वो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कोरोना का ट्रीटमेंट करी, कोरोना देखिए ये डिपेंड करता है, इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो विकराल रूप ले लेता है, लेकिन ठीक अंत में आपको
जब दवा असर करेगा ठीक हो जाएगा। क्यों कहा जाता है कि जिनको ऑलरेडी लंग इन्फेक्शन है उनके लिए कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि लंग इन्फेक्शन ऑलरेडी है इनका, इसका मतलब वो ऑलरेडी उनका इम्यून ऑलरेडी वीक है, उसमें अगर कोरोना अटैक करता है और लंग्स में ही अटैक करेगा तो ये डबल नुकसान, डबल घातक सिद्ध हो सकता है। और ऐसे में अगर उम्र 65 के ऊपर है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाती है, लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ऐसे में वो जानलेवा हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता है कि उसको क्या है, उसको है कुछ है डिजीज है नहीं है, अगर वो डिजीज उस इम्यून सिस्टम के वजह से विकराल रूप ले लिया कमी के वजह से तो वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है चलो, तो ये क्या है, किल्ड है। लेकिन कोरोना वायरस का क्यों नहीं वैक्सीन बन पा रहा है भाई? जब तक आप किसी एक वायरस का, जब तक आप किसी एक वायरस का पूरा फंक्शन स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर्टी नहीं जान लेते, हमारे बॉडी में जाने के बाद वो क्या कर सकता है, वो कितना लेवल तक वीक होगा, कितना लेवल तक स्ट्रांग होगा, वो कैसे मरेगा, ये सब चीजें जब तक, अगर हमारे बॉडी में कोरोना वायरस है तो क्या हम अल्कोहल पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, राइट? तो उसको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ता है तब वैक्सीन बनता है। और वैक्सीन बनने के बाद हर एक बॉडी अलग अलग रिएक्शन देता है, तो सारे रिएक्शन में पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, रेशियो मिलता है, तब जाके सक्सेस होता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हमारे क्या करता है वैक्सीन, हमारे इम्यून सिस्टम को जाकर ट्रेनिंग देता है, क्योंकि ये डेड सेल है, क्योंकि ये क्या है, ये किल्ड है, वीकेंड है, तो क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम में जाएगा और इम्यून सिस्टम में जाते ही हमारे इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा स्मॉल अमाउंट में, और ये इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा, मेमोराइज कर लेगा, याद कर लेगा, और दोबारा जब ओरिजिनल वो वायरस आकर अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडी दुगना अमाउंट में प्रोड्यूस होकर उस वायरस या फिर उस बैक्टीरिया को इजिली मार देगा। ठीक है, सो दैट इज वाई वी यूज वैक्सीनेशन, दैट्स वाई यू यूज वैक्सीन टू ट्रेन आवर इम्यून सिस्टम, टू ट्रेन आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए, किसके लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। आई बात समझ में? सर बोलिए। सर किसी को सर मतलब कि वैक्सीन लग गया सर, इसका मतलब किसी को कभी अब कोरोना अटैक नहीं कर सकता, कोई भी डिजीज अटैक नहीं कर सकता उस वैक्सीन का, उस वैक्सीन, जो भी वैक्सीन लगा है, ठीक है, अगर अटैक करता भी है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़के उसको ठीक कर देगा। लेकिन होता है कि ये कितना डोसेज हमें लेना है, इनकम्प्लीट डोज रहेगा तो सोचोगे कि एक बार ले लिए, वो चार डोज का होता है, एक बार ले लिए तो ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। पूरा डोज प्रॉपर अगर लेते हैं तो फ्यूचर में जब वो आएगा अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ आसानी से लड़ सकता है, इसलिए हम वैक्सीन लेते हैं। ऐसा नहीं लेते कि सुरक्षा कवच लगा लिया आएगा ही नहीं, होगा, लेकिन वो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ इजीली लड़ लेगा। ठीक है चलो, ये कॉन्सेप्ट टेस्ट है, क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट आफ्टर चाइल्ड इज गिवन अ वैक्सीन ही और शी सफर्स फ्रॉम माइल्ड फीवर फॉर अ कपल ऑफ डेज, दिस हैपेंस बिकॉज the pain of the infection is severe, the resistance of the child is low, the immune system is strengthening, the dose of vaccine is wrong. Answer yahan pe bahut sare aa gaye hain, dekhte hain kya kya answer sahi hai. See, the immune system is strengthening. Yes, fevers are common in young children. कॉमन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रेंथनिंग होता है तो वो देखिए वो साइड इफेक्ट है कह सकते हैं हम एक तरह से, ठीक है। क्या है, फीवर आना एक तरह से साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते बट वो कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जाकर वो वर्क करने लगा है, ठीक है, फंक्शन करने लगा है। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक तरह का वो डेड या अटेन्यूएटेड वायरस होता है या वो पैथोजन होता है, तो जब हमारे बॉडी में जा रहा है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा, यानी डिसीज के खिलाफ लड़ रहा है तो हमारे बॉडी में फीवर आना, ठीक है, आम बात हो जाती है। हमारे बॉडी में फीवर आना, बॉडी पेन होना, ये आम बात हो जाती है, थकान टाइप का फील होना, ये भी आम बात हो जाती है। तो ऐसा होता है, ठीक है, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ रहा है और उसको ट्रेनिंग अभी मिल रहा है।
ठीक है, तो आंसर आएगा सी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेस्ट. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड फॉर एवरीवन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रिवेंशन बिकॉज. आंसर दीजिए. एक आंसर मुझे दिख रहा है, दो आंसर मुझे दिख रहा है, तीन आंसर दिख रहा है. चलो देख लेते हैं आंसर. सी इज द राइट आंसर. Eating proper and sufficient amount of food will help kill all the microbes in the body. क्योंकि हमारा immune system सही रहेगा. Simple सी बात है. ठीक है, चलो. There are two ways to treat an infectious disease. Summary है, which are to reduce the effect of the disease, to kill the disease. उसके बाद general ways of preventing क्या है? Include prevention of exposure to microbe and having a balanced diet to boost the immune system. Specific way of preventing disease include vaccination. When a foreign pathogen enters the body, immune response takes place, resulting in elimination of the pathogen and thus memorizes it. On second encounter of the same pathogen, quicker and stronger immune response takes place by the immune cell. This is the basis of the principle of vaccination, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा है. Yes. चलो, तो आपका सिलेबस हो गया खत्म. अब आपका होमवर्क दे रहे हैं हम वैक्सीनेशन के ऊपर. आपको क्या करना, थोड़ा सा एक असाइनमेंट तब सबमिट करना है वैक्सीनेशन के ऊपर, कि आपको स्टडी करना है वैक्सीनेशन ने डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड किसने किया, कौन कौन से वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, किस एज ग्रुप में दिया जाता है और वो किसके अगेंस्ट में दिया जाता है, पैथोजन किस पैथोजन को किल करने के लिए दिया जाता है. ठीक है, ओके. उसके बाद ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इम्यून सिस्टम यानी हमारे WBC सेल्स के बारे में बताना है. सो WBC सेल्स कितने होते हैं? WBC सेल्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5. बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड दूसरा होता है ग्रैन्यूलोसाइट्स. ठीक है, टोटल 5 होते हैं. अब आपका होमवर्क क्या है इसमें? होमवर्क ये है कि कितने कौन कौन से WBC हैं और उसमें कौन कौन सा WBC कितने कितने में आएगा. इसमें 3 आएगा, मेरा सही नहीं हो सकता है, मे भी हो सकता है इसमें भी 3 आए, मे भी हो सकता है कि इसमें 2 ही आए. ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से, एक ग्रैन्यूलोसाइट्स में कौन कौन सा आएगा, ग्रैन्यूलोसाइट्स में कौन कौन सा आएगा. ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि हमारे हमारे लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं. तो 2 प्रकार के, T और B. इसमें कौन सा लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये आपको बताना है, क्या बी है कि टी है. ठीक है, चलो. तो ये कुछ होमवर्क है, आपको करके मुझे भेज देना है. राइट, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में. ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. बाय बाय, हैप्पी दिवाली. अच्छा हाँ, अनुष्का ने सवाल किया था. यस यस यस, तो हम जवाब अभी दे देते हैं. ओके सॉरी अनुष्का, बट अभी दे देते हैं. ठीक है,